नमस्कार, मैं रिद्धि शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्व शांति संवाद माला में। विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का विशाल वृक्ष आज हम सभी देख रहे हैं। ये सभी जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है, वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष ज्ञान योगी कर्म योगी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्याय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, वह कैसे, आज हम विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य के माध्यम से खुद की रक्षा कर सकते हैं। आज के विषय में बार बार हम वही आह्वान करें कि ये किसने करना चाहिए, तो ये शिक्षा संस्थाओं में से सेहत की बात बननी चाहिए युवा लोगों के सामने। उनके लिए जैसे ग्राउंड की आवश्यकता है खेलने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर कोई युवा धर्म ग्रंथ पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेल रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। ये जो स्वामी जी का कहना है वो इसलिए है कि धर्म ग्रंथ के धर्म तक पहुँचने के पहले ही शरीर धर्म ज़्यादा अहम रहता है, और इसलिए इस शरीर को हमें देखना होगा। कैसे देखना होगा? हर रोज की कसरत करनी है। मैं आपको एक आसान सा तरीका कहता हूँ, और वो तरीका यह है कि अपना जो श्वास है उसकी बात सुनो। ये जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो आवाज़ वो ध्वनि सुनने की कोशिश करो। हर सुबह ऐसे बैठना है सीधा, और फिर इतना ही करना है। क्यों? क्वालिटी ब्रीदिंग कहते हैं उसको। अगर आपकी ये सांस लेने की प्रक्रिया अच्छी हो तो जैसे मैंने कहा, श्वास विश्वास और आत्मविश्वास की तरफ आप यात्रा कर सकते हैं। और इसीलिए जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, आज वैसे तो पूरी दुनिया में हर एक ने अपने सेहत के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आज उसकी कितनी आवश्यकता है ये आपके सामने है। COVID-19 का ये पैंडेमिक का आक्रमण होने के पश्चात आपके ध्यान में आया होगा कि सेहत कितनी अच्छी है। क्वालिटी ब्रीदिंग के लिए अब हम मास्क लगाते हैं। क्यों? बाहर का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण के माध्यम से ना कोई वायरस हमारे शरीर में चला जाए, ये ट्रैक है। अपनी शरीर में जिस तरह से आज प्रतिकार शक्ति होगी वैसे आप कोविड से बच सकते हो। अगर इसके बाद आने वाले समय में, चलो बुरी कल्पना नहीं, लेकिन अगर इस तरह से कुछ एक दूसरे से युद्ध करने की रचना में इस तरह का कुछ आक्रमण का नया तरीका आ गया तो उसके लिए कोई नहीं बचा सकता, आप खुद को बचा सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। मैं स्वयं खुद को बचा सकता हूँ अगर मेरी सेहत अच्छी है तो। इसलिए सबसे विनती है कि सेहत पे ध्यान रखें। और इसलिए अगर आज हमारे राष्ट्र में अगर शिक्षा संस्थाओं ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया तो बात बनेगी। अपने घर में माता पिता हैं, इन्होंने ध्यान देना है अपने बच्चों के सेहत पे। उसके पहले उनके सामने आदर्श निर्माण के लिए उन्होंने खुद कसरत करनी चाहिए। खुद कसरत इसलिए करनी है कि अगर वो कसरत करेंगे तो बचपन से बच्चों के आँखों के सामने माँ बाप कसरत कर रहे हैं ये दिखाई देगा, और फिर उनके मन में भी वो इच्छा और स्फूर्ति तैयार हो जाएगी कि हमें भी कसरत करनी है। उनकी सेहत की तरफ देखें, नहीं तो ये आदर्श घर से नहीं तैयार हुआ तो वो कम से कम स्कूलों में तो तैयार होना चाहिए। स्कूल में जाने के बाद ज़्यादातर ध्यान खेलों पे या कसरत पे देना चाहिए। वो दिया जाता है नहीं दिया जाता आजकल के ज़माने में, लेकिन इतनी तो बिल्कुल महत्व की बात है। अब हम बात करते हैं मनोरंजन क्षेत्र की। आजकल के ज़माने में आप सभी चैनलों पे जब देखते हैं तो कई बार ये दिखाई देता है कि दिमागी तौर पे भी सेहत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मनस्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, तन स्वास्थ्य की बात बन गई, अलग अलग तरीके से शरीर धर्म की तरफ देखा जाता है। लाफ्टर क्लब्स, सुबह हंसने की बात बनती है, हास्य योग की बात बनती है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी जहाँ तक दिमाग के बारे में सोचा जाएगा तो वो जो मनोरंजन है, यानी कि जो तरीका है मनुष्य को असौजन्य मन में ले जाने का, असौजन्य मन में जाना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना, वो सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने वाले जो तरीके है उस मनोरंजन में हमें सेहत के बारे में कुछ नहीं मिलता।
जो मिल रहा है वो सेहत का और प्रकृति का नुकसान कैसे होगा, इस तरह से विचार मन में आते हैं। अब ये विचार कौन से है, तो दो तरह की बुद्धि रहती है। एक बुद्धि है उसे प्रज्ञा कहा गया है, और दूसरी बुद्धि है उसे मेधा कहा गया है। ये जो मेधा है वो शरीर पे नज़र रखती है, जो प्रज्ञा है वो बुद्धि पे नज़र रखती है। मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है, जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा की जो बुद्धि है उसे मेधा कहा गया है। इसलिए मेधा चंचल है ऐसे कहा गया है। म अक्षर से शुरू होने वाले कई शब्द चंचल मनोवृत्ति के हैं ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें मानिनी है, मरकट है, मारुत है, बाद में मीन है, मधुकर है, ये सब म से शुरू होने वाले जो चंचल मनोवृत्ति के हैं। और इसलिए जो मन है वो भी चंचल मनोवृत्ति का है। उसे अगर स्थिर करना हो तो मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है, उस प्राणी की जो प्रेरणाएं हैं, उस प्रेरणा पे जो अमल करती है वो जो बुद्धि है मेधा, उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर उसको सिखाया जाएगा तभी बात बनेगी। लेकिन वो क्या बुद्धि है, उसे मेधा कहा गया है। अभी उस मेधा को अगर आदत में हमें डालना होगा, अगर उस मेधा को हमें ट्रेनिंग देना होगा कि हर रोज कसरत करनी चाहिए, तो वो उस उम्र में करनी चाहिए। बच्चों के सामने उनको कंपल्सन करना होगा शुरुआत में, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल 6 से 10 साल तक नहीं, उसके पहले भी हमें बच्चों को संस्कार करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। संस्कार शब्द की व्याख्या क्या है? संस्कार शब्द की व्याख्या यह है कि खुद का निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में आने से पहले ही सदहेतु से उनकी तरफ से जो कार्य, जो कसरत, जो काम हम करके लेंगे उसे संस्कार कहते हैं। कब संस्कार करने हैं? जब स्वयं की निर्णय क्षमता अब तक तैयार नहीं हुई, और वो उम्र होगी 6 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, लालयेत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़येत प्राप्तेषु षोडश वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। अब बात बनती है सेहत की, ये पहले 5 साल तक जब लाड़ किया जाता है, प्यार किया जाता है, और उसी समय इसको शुरुआत करनी होगी सेहत अच्छी बनाने की। उसी समय उनसे कसरत कर लेना चाहिए। आज हम देखते हैं कई स्पर्धाएं ऐसी हैं विश्व तौर पे कि जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आके हम देखते हैं उन्हें कसरत करते वक्त, और स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत बचपन से ही की जाती है। वैसे हमें भी करना होगा इस तरह से 5 साल तक। उसके बाद 10 साल तक अगला शब्द इस श्लोक में जो विनियोग किया है वो है लालयत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़यत कहा है। क्या है वहाँ? डिसिप्लिन की बात आ गई। और ये डिसिप्लिन कहाँ तक है? 16 साल तक है। और 16 साल के बाद इस सभी वर्षों का जो अच्छा परिणाम है वो हमें सेहत में दिखाई देगा 25वीं साल तक। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य की जीवन में अगर हम 4 हिस्से करेंगे, 100 साल का जीना है ऐसे समझ लो, तो 25 25 25 25, तो ये पहले 25 साल जो है ना वो शरीर धर्म के लिए लेने चाहिए। बाद के जो 25 साल है वो स्वधर्म के लिए देने चाहिए, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ उस पर। उसके बाद में जो 25 साल है वो समाज धर्म के लिए करने चाहिए, और उसके बाद जो है वो विश्व धर्म के लिए करने चाहिए। अगर 100 साल का ये पहला 25 साल अगर हमने गलत बर्ताव किया तो अगले 75 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। और इसलिए सेहत की बात ज़रूर होनी चाहिए। कई सारे मोह हैं हमारे सामने। गलत खाना ही सिर्फ नहीं, शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये शरीर के नाश करने वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने के लिए हम कैसे सिखाएंगे? और ये सिखाना पड़ेगा। वो कब सिखाओगे आप? उस उम्र में जब बच्चों की खुद की स्वयं की निर्णय क्षमता पैदा ही नहीं हुई तब तक। जैसे अंग्रेजी में थॉमस हैरिस नाम के एक लेखक की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आई एम ओके योर ओके। तो वो कहते हैं कि पहले जो बच्चे रहते हैं, जो छोटा बच्चा है उसको कैसे भी उठाओ, उसके साथ मस्ती करो, उसको आप नीले रंग का शर्ट पहनो और कहो कि इसको नीला रंग ही अच्छा लगता है। उस बच्चे को रंग ही मालूम नहीं है, नीला भी मालूम नहीं, लेकिन माँ कहती है इसको नीला अच्छा पसंद है करके। वो जो समय है उसमें क्या कहा उन्होंने, बच्चे की तरफ से सोचा जाए तो आई एम नॉट ओके यू आर ओके। बाद में दूसरी स्थिति आती है उम्र में जहाँ पे बच्चा कहता है मुझे अब चॉकलेट चाहिए, रात को 2 बजे भी चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए।
वो स्थिति के लिए उन्होंने कहा है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। उसके बाद में जो तीसरी स्थिति है जिसे हम टीन एज कहते हैं, यहीं पे गड़बड़ है। 13 से 19 तक ये बात बनती है और इस बात में टीन 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 चलता है 13 से 19 तक। उस बात में जो मानसिक स्थिति है वो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी गलत कर रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ लेकिन आप भी गलत सलाह दे रहे हो, इस तरह का स्थिति है। और बाद में प्रौढ़ता की और प्रगल्भता की स्थिति आएगी जहाँ पे आई एम ओके, यू आर ओके। मुझे ऐसा लगता है ये जो पहले स्तर में जब आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके और आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यहाँ तक ही हम सेहत पे ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद में नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, विश्व शांति की ओर जाना है, परमार्थ के माध्यम से जाना है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ऐसी यात्रा करनी होगी तो पहले व्यक्ति शांत होनी चाहिए, व्यक्ति के मन में शांति होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, सेहत अच्छी होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो खैर, स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, ऐसे मैंने कहा था पहले एपिसोड में, आज भी वही कह रहा हूँ। अगर वो स्माइल चाहिए, अंदर से आई हुई स्माइल, अंदर से आई हुई स्माइल चाहिए। बाहर से तो कई लोग हैं तुम्हें हंसाने वाले, लेकिन अंदर से अगर हंसी आती है वो कुदरती रहती है, और वो निसर्ग दत्त हंसी के प्यार में अगर हम एक बार देखें झांक के कि देखिए सेहत अच्छी होनी चाहिए, यही बार बार हमारे सामने उसका मैसेज आता है। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन विनती है सबसे कि अगला एपिसोड जब आप सुनने आओगे तो कसरत करके आइएगा, ताकि वो जो हंसी है, स्माइल है अच्छे सेहत की, जो आपके मुख पे दिखाई देगी। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग के माध्यम से आप यह सीख अपने जीवन में अमल करेगी। तो ऐसे कुछ विषय पर मिलते हैं अगले विश्व शांति संवाद माला में, तब तक के लिए नमस्कार।